और HDFC सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी रिकमेंडेशन लेकर। देवर्ष, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। अपना क्या राय होगी, क्या रणनीति आज सुझाएंगे आप? दो इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिड कैप के मैं शेयर करना चाहूंगा। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और दूसरा एक बैंक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी से शुरू करते हैं। FDC एक डोमेस्टिक फोकस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, करीबन 1% का मार्केट शेयर है। उनकी जो प्रोडक्ट है ORS गोल, इलेक्ट्राल और इनहेरिसिल, वो बहुत जानी पहचानी है और भारत में उसका काफी अच्छा ब्रांड रिकॉल है। ये कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है उसके फॉर्मुलेशन बिजनेस में और अभी एक्सपोर्ट में भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। करीबन 3600 उनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है 10 डिवीजन में और ये धीरे धीरे इंडिया में और बाहर अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट काफी रोबस्ट है, उनके रिटर्न रेशियो काफी अच्छे हैं। कंपनी जो पैसा कमाती है उसमें समय दो समय वो अपने बायबैक से इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करती रहती है और अब जब अच्छा ग्रोथ आ रहा है और फार्मास्यूटिकल एज अ सेक्टर हमें यहाँ से लग रहा है कि बॉटम आउट हो चुका है, तो FDC में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। करीबन ये 295 से 305 के बीच में इन्वेस्टर्स थोड़ा एक्युमुलेट करें एक पोर्शन, अगर गिरावट आती है तो 268 के आसपास एक दूसरा पोर्शन खरीदे। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में 350 तक का एक टारगेट आता है और लंबे अवधि में ये इन्वेस्टर्स को अच्छा रिवॉर्ड कर सकता है। तो FDC एक छोटा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यहाँ से पसंद है, इसके ऊपर हमने कल एक रिपोर्ट इश्यू किया है। जो दूसरा जानी पहचानी बैंक है वो है फेडरल बैंक। जो भारत में बड़े बड़े बैंक होती है उसमें हम एक्सिस बैंक या ICICI बैंक या ऐसे बैंक के नाम लेते हैं, उसी श्रेणी में ये मिड कैप से लार्ज कैप बैंक की ओर जाने की बेस्ट इन क्लास बैंकिंग की एक हमें लगता है कि कैंडिडेट है। इनके पास जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है वो जो NVS चीज है वो है उनका डिपोजिट फ्रेंचाइज है। बैंकिंग में 2 करोड़ से कम की अगर एक डिपॉजिट्स का अगर मुआवजा करें तो 90% इनकी जो डिपॉजिट है वो 2 करोड़ से कम है, तो एक बहुत बड़ा ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, ये मोट है और आगे जाके ये जो ग्रेन्यूअल डिपॉजिट है उससे उनको फायदा हो रहा है। अभी मार्केट में जब डिपॉजिट के लिए होड़ लगी हुई है तब ये बैंक को ये काफी अच्छा फायदा कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो फिनटेक के साथ उनके जो टाइप्स हैं वो आगे जाके बहुत कंस्ट्रक्टिव है, वो मोनेटाइज हो सकते हैं। धीरे धीरे ये बेस्ट इन क्लास एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, हमें लगता है कि आगे जाके 1.5 टाइम 1.6 टाइम बुक वैल्यू पे ये ट्रेड कर सकता है, तो यहाँ 120-130 के आसपास इसको एक्युमुलेट करें, 175 का एक साल का एक हमारा टारगेट है। तो फेडरल बैंक निवेशक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये है राय मिड कैप स्पेस में। फंडामेंटल लिहाज से FDC अच्छा लग रहा है, फेडरल बैंक पर भी आप नजर रखिए, 175 के लेवल के लिए 125 के आसपास इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो अगले एक साल के लिए टारगेट आपको सुझा रहे हैं। और राइट, देवर्ष बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। मानस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।